मानना तो नहीं है चाहिए, जब वो सही हो तो क्यों मांग रहे हो भाई? केजरीवाल साहब को सबसे पहले तो दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो दबाव डाला जा रहा है उन पे, उन्हें काम करने ही नहीं देते लोग। आज तक तो पॉलिटिक्स में किसी ने माफी मांगी नहीं एक दूसरे से कभी। वैसे ही कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हैं, और मतलब अगर किसी के माफी मांग लेने से ये हो जाता है सॉर्ट आउट तो अच्छी बात ही है। ये कहते हैं माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, तो फिर कह देते हैं आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये मैं नहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन लोगों को अपोलॉजी लेटर यानी माफीनामा लिख रहे हैं जिन्हें उन्होंने चोर या भ्रष्ट कहा था। तो आइए फिर जानते हैं दिल्ली की जनता क्या कहती है अरविंद केजरीवाल के इस माफीनामे के बारे में। माफी मांगना उनका वो अपना एक बड़कपन है उनका, जो ये माफी मांग रहे हैं वो। नहीं तो लोग ऐसे भी है जो कि गलतियां करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। मानना तो नहीं है चाहिए, जब वो सही हो तो क्यों मांग रहे हो भाई? उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, वो तो जनता की नजर में बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल साहब को सबसे पहले तो दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली की जनता से ही झूठ बोलकर इस सत्ता में आके बैठे हैं। केजरीवाल इसी वादों पे आए थे कि ये भ्रष्ट सरकार है, और एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक जनता इनके साथ चली गई कि भ्रष्ट सरकार को ख़त्म करना है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। आज ये सारे भ्रष्टाचारियों से माफ़ी मांग रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे 2G स्कैम किया, भाजपा ने बोला कि ये सारी कांग्रेसी स्कैमर हैं, और बाद में वो 2G केस जीत गए। तो जनता के साथ छलावा है ना, ये जनता को आप डायरेक्ट बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे ही कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हैं, और मतलब अगर किसी के माफ़ी मांग लेने से ये वो हो जाता है सॉर्ट आउट तो अच्छी बात ही है। ये वोट लेने के लिए मतलब ये सब किया कि सब चोर हैं, सब ये हैं, राजनीतिक नहीं जानते हैं, हम राजनीतिक सिखाएंगे। अब राजनीतिक वो कहाँ सिखा रहे हैं, वो तो माफ़ी मांग रहे हैं अगले से। ये सरकार जो है बीजेपी की, इनसे काम नहीं करने दे रही है बिल्कुल, जो उसकी ताकत है उसको यूज नहीं करने दे रहे ये लोग। जैसे मुख्यमंत्री छोटी मोटी हस्ती थोड़ी होता है, उसको नहीं काम करने दे रहे हैं, तो वो तो फिर तनाव में भी आएगा, गुस्से में भी आएगा। एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस आया है, और मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाए थे, हॉस्पिटल में भी काम कराया था, और उनका बीच में अब उन्होंने छोड़ दिया, वो चीज़ अच्छी थी, वो जो बीच में ये लोग कहीं पे भी चले जाके इंस्पेक्शन कर रहे थे। और वैसे काम बहुत अच्छा करा है केजरीवाल सरकार ने, शिक्षा में बहुत बेटर है और स्वास्थ्य सेवाओं में। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती, दवाई मिलती है, जो नहीं काम होता वो होता है। और हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, पानी आ रहा है। हमारा लाइट बिल बहुत आता था, अब कम आ रहा है। और हमारी जो रोजी रोटी चल रही है रिक्शे, ये उन्हीं की बदौलत है जो आज चल रही है। नहीं, इतने दिन हो गए केजरीवाल साहब को, आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, इतने दिनों में क्या किया इन्होंने। दिल्ली की सड़कों को देख लीजिए, दिल्ली की गंदगियों को देख लीजिए, सब कुछ तो वैसा ही है। बोले कुछ और करे कुछ और, तो प्रजा कौन भरोसा करेगा उन पर? ऐसे अगर राजनीति में चलेगा तो देश का क्या होगा आगे, जब नेता ही ऐसे करेंगे तो फिर हम तुम लोग क्या करेंगे? जब पहले बोल चुके हैं कि चोर हो आए, फिर दोबारा माफ़ी मांग रहे हैं, तब ये जाने क्या सच्चाई है, क्या ईमानदारी है, क्या गलती है, क्या सही है।